सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वंडरफुल ऑटो मोबाइल्स। तो आ चुके हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ में, और आज भी लेके आए हैं आपके लिए भाई मच अवेटेड महिंद्रा थार 5 डोर का वीडियो। तो भाई आज महिंद्रा थार 5 डोर की जो है सारी बात करने वाले हैं, क्या क्या भाई लुक्स कैसी देखने को मिलेगी। इंटीरियर तो भाई पूरा लीक हो चुका है गाड़ी का, हम लुक्स की बात करेंगे, फीचर्स की बात करेंगे, लॉन्च गेट की बात करेंगे, और इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, इस इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले ना गाड़ी के फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं कि कैसी हमें फ्रंट लुक जो है वो देखने को मिलेगी। तो जो फ्रंट लुक रहने वाली है ना, वो कहीं ना कहीं 3 डोर थार सी जो है वो रिजेंबल करेगी, बट कुछ फीचर्स इसमें बढ़ा दिए जाएंगे और थोड़ा सा डिफरेंस भी रखा जाएगा। जैसे अभी आपको पिक्चर दिखाता हूँ मैं एक, तो गाइस ऐसा कुछ लुक है, बाकी भाई ज़्यादा तो पता नहीं लग रहा होगा, बट फिर भी भाई कुछ चीज़ें इसमें पता लग जाती हैं। जैसे भाई लाइट्स देखो आप, सेम सी लग रही हैं, ग्रिल वैसी ही देखने को मिलेगी। नीचे दो जो है अपने को फॉग लैंप्स देखने को मिल जाएंगे, साइड में जो ग्लियर एल्स वगैरह हैं वो देखने को मिलेंगी, और जो ग्लियर एल्स हैं इस बार हेडलाइट के अंदर भी देखने को मिलेंगी, और प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दी गई हैं इस बार जो है, मतलब नए टाइप की हेडलाइट्स हैं। बाकी भाई आगे का लुक काफ़ी कुछ सेम ही है। आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ गाइस, ये चेक करो भाई लाइट का, अभी क्लियर लुक चेक करो भाई, बीच में प्रोजेक्टर एलईडी का देखने को मिल जाता है, एलईडी प्रोजेक्टर, और जो ये रेड कलर है मतलब आप देख सकते हैं। और फ्रंट ग्रिल में हमें कैमरा का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा, तो भाई इसमें 360 कैमरा जो है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। और बाकी भाई ये गाड़ी जो रहने वाली है ना, ये स्कॉर्पियो एन के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड रहेगी, मतलब 5 डोर में स्कॉर्पियो एन के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड रहेगी, तो वैसा कुछ रहने वाला है। और इस प्लेटफॉर्म पर आपको पता ही है स्कॉर्पियो एन ने 5 स्टार स्कोर करे हैं, तो ये भी ज़रूर से करेगी ही। बाकी अभी आगे बात कर लेते हैं साइड लुक वगैरह की। तो गाइस ऐसा कुछ साइड लुक हमें देखने को मिल जाता है, मतलब ना लेंथ में इस बार ज़्यादा चेंजेस करे गए हैं क्योंकि 5 डोर वर्जन है, और आप रियर डोर भी देख सकते हैं। पीछे हमें बड़ी सी विंडो देखने को मिलती है, और जो डोर हैंडल्स है ना, मतलब आगे तो हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं, बट जो पीछे वाला डोर है उस पर जो है मतलब ऊपर रखे गए हैं जो डोर हैंडल्स हैं। बाकी आप व्हील्स का डिज़ाइन देख सकते हैं, इसमें 19 इंचिस के जो हैं व्हील्स देखने को मिलेंगे, आपको वो उसका भी डिज़ाइन दिखाता हूँ। तो गाइज ऐसे कुछ 19 इंचिस के व्हील्स हैं, मतलब क्लियर नहीं है इतनी फोको, बट फिर भी भाई दिख रहे हैं, 5 स्पोक जो हैं अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। और ये मोस्ट प्रॉब्लेबली ना जो है ये टॉप मॉडल ही लग रहा है, क्योंकि जो आपने लास्ट पिक्चर देखी है उसमें थोड़े से डिफरेंट तरह के जो हैं व्हील्स देखने को मिलते हैं। बट एक और भी है गाड़ी जो मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें थोड़े अलग व्हील्स हैं। गाइज ये चेक करो, ये कोई और मॉडल लग रहा है, देखो इसमें अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन ना ऐसा लग रहा है थोड़ा स्कॉर्पियो एन जैसा है। बाकी आपने देख ही लिया है साइड लुक, अभी रियर लुक की बात कर लेते हैं। तो गाइज ऐसा कुछ गाड़ी का रियर लुक हमें देखने को मिलेगा, रियर लुक ना जो है ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया जाएगा, और थोड़ा बहुत जो है वो चेंज होगा उसके अपने टेल लाइट्स में चेंज थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, बाकी ना ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। क्योंकि जैसे आप देख रहे हो बूट की जो ओपनिंग रहेगी वो भी सेम ही रहने वाली है, जैसे 3 डोर थार की है, जैसे ग्लास भी ओपन कर सकते हैं, तो वही सेम ही है, मतलब सिमिलर ही है लुक्स का, पीछे से कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी इंटीरियर की बात कर लेते हैं। तो गाइज ऐसा कुछ कंप्लीट इंटीरियर का लुक देखने को मिलता है, मतलब इंटीरियर का लुक ना अच्छा सा ही है, मतलब पहले जैसे ही है बट काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। जैसे भाई आप स्टीयरिंग व्हील देखो, तो भाई ये स्कॉर्पियो एन वाला स्टीयरिंग व्हील डाल दिया गया है, न्यू टच स्क्रीन है जो अपना अपडेटेड वेरिएंट में आई है, जो आपने देखा होगा, मतलब जो XUV700 में आती है और वो वाली टच स्क्रीन है, मतलब साइज़ 10.25 इंचीज़ है। नीचे बटन्स देखने को मिलते हैं, AC वेंट्स का डिज़ाइन वगैरह ना सेम ही रखा गया है, और नीचे जो है आप मैनुअल AC के कंट्रोल्स जो हैं वो देख सकते हैं, स्टीयरिंग पर जो मेन सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। अभी आपको दिखाता हूँ और पिक्चर्स। गाइस एक और एंगल से चेक करो कि ऐसा कुछ लगेगा दूसरे एंगल से, आप उधर का साइड भी देख सकते हैं। तो गाइस आप चेक करो वाइड एंगल में कैसा लुक है इंटीरियर का, तो भाई ब्लैक कलर की सीट्स देखने को मिलेंगी, ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा, मैं आपको अभी वो भी दिखाता हूँ। बाकी लेदराइट सीट्स हैं वैसी ही हैं, और बड़ा सा आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, और ये ना 4x2 वाला वेरियंट है, आप गियर लीवर से देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी 4x4 का ऑप्शन नहीं दिया गया है। बाकी आप देख सकते हैं कम्प्लीट लुक। गाइज ये चेक करो भाई वाइट इंटीरियर वाली, मतलब क्रीम इंटीरियर देखने को मिलता है ब्लैक कलर के साथ में। अब चेक करो एक फ़ोटो है ये, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, और आपको दिखाता हूँ अभी सीट्स भी वाइट कलर की देखने को मिलेंगी। ये देखो भाई कितनी, मतलब ये लेदर सीट्स ही लग रही है मुझे तो, देखो बाकी वाइट कलर की सीट्स, और पीछे वाली ना आप ध्यान से देखो तो ब्लैक लग रही हैं। तो गाइज चेक करो ये है भाई सनरूफ का लुक, भाई इसमें हमें देखने को मिलेगी सिंगल पेन सनरूफ,
और सनरूफ ठीक ठाक साइज़ की लग रही है। बाकी ये कुछ स्पीकर का लुक है जो रूफ माउंटेड स्पीकर देखने को मिलेगा। और गाइज ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन का जो लुक है वो देखने को मिल जाता है, ऐसे कुछ माउंट किया गया है। बाकी आप कंप्लीट देख सकते हैं और कुछ ये फीचर्स के बटन्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। गाइज अभी देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन वाला जो क्लस्टर है वो देख लेते हैं कि कैसी लुक है। तो गाइज चेक करो, ये है इंस्ट्रूमेंटल जो क्लस्टर है पूरी लुक, ये पूरा XUV700 वाला ही लग रहा है, मतलब काफ़ी प्रीमियम है। और ये है भाई बूट स्पेस, तो भाई बूट स्पेस तो भाई थोड़ी ही देखने को मिलेगी क्योंकि गाड़ी की लेंथ में इतना ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं है, बाकी नॉर्मल देखने को मिल जाएगी। और भाई ये है रियर सीट्स का लुक भाई, जो मेन मतलब थार में मतलब आपको चाहिए थी ना, तो भाई ये उसका ही लुक है रियर सीट्स का। बाकी भाई तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे, ब्लैक सीट्स हैं लेदर हेड वाली, और बीच में आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा, डोर आप देख सकते हैं। और रूफ माउंटेड जो है स्पीकर देखने को मिलेंगे, ऊपर सनरूफ देखने को मिल जाएगी। बाकी भाई ये था कंप्लीट लुक वगैरह, हमने सारा कुछ देख ही लिया है, ऑलमोस्ट इंटीरियर का भी मैंने दिखाई दिया है। अभी बात कर लेते हैं भाई इंजन की, मतलब कौन कौन से जो इंजन्स है वो देखने को मिलेंगे, कैसी कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। तो भाई इंजन ऑप्शंस हमें इस गाड़ी में दो देखने को मिलेंगे, 2 लीटर का जो है अपना पेट्रोल इंजन एमस्कैलियन वो देखने को मिल जाएगा, और 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन देखने को मिल जाएगा जो अभी करंट थार में भी आता ही है। बाकी स्पेसिफिकेशन में थोड़ा बहुत चेंज किया जाएगा क्योंकि भाई आपको पता ही है क्योंकि 5 डोर है, तो थोड़ा चेंज तो इसमें किया ही जाएगा। बाकी मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के साथ ये ऑप्शन देखने को मिलेगी, और ये वाली थार भी हमें 4x2 के अंदर देखने को मिलेगी, मैंने जैसे आपको फोटो में दिखाया ही है इसमें भाई 4x2 का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा ही। बाकी ये काफ़ी मतलब ना एक्साइटिंग प्रोडक्ट रहने वाला है, इसमें फीचर्स भी इस बार बहुत सारे ऐड करे गए हैं, जैसे 360 कैमरा, न्यू इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, LED हेडलैम्प्स, टेल लैम्प्स, सनरूफ, तो भाई फीचर्स में भी कोई कमी नहीं रहने वाली है। और बाकी भाई प्राइसिंग तो आप एक्सपेक्ट करके चलोगी, मतलब ना ये उससे तो भाई 2-3 लाख महंगी ही रहेगी मतलब, और इसका मतलब एंड प्राइस आप लगा के चलो कि भाई 25-26 तक तो जाएगी आराम से। और बाकी भाई लॉन्च गेट वगैरह की बात कर लेते हैं, तो भाई लॉन्च गेट ना इसका अराउंड, या तो भाई इसका लॉन्च हो सकता है जून में क्योंकि भाई प्रोडक्शन रेडी वेरिएंट तो ये ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, मतलब प्रोडक्शन रेडी फॉर्म में तो आ ही चुकी है, या तो इस गाड़ी का लॉन्च किया जाएगा जून में, और या इसका लॉन्च जो है वो 15 अगस्त को किया जा सकता है। मुझे जितना लग रहा है 15 अगस्त को ही किया जाएगा क्योंकि जो आपने देखा ये जो 3 डोर थार है वो 15 अगस्त को ही लॉन्च की गई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 अगस्त को ही जो है मोस्ट प्रोबेबली इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा। बाकी ये कुछ था थार का वीडियो, आपने कंप्लीट देख ही लिया है, मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यार बार बार मैं आपको बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब कर दो चैनल पर, यार सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल। और अगर आप थार के रिलेटेड जो है और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।